खाना ऐसा लग रहा है कि मैं मरीज हूँ। हाँ मुझे ऐसे खाने नहीं है, ऑपरेशन के बाद मिलते हैं। आप क्या सही है ना भाई, सीरियस और मैंने तो मुँह का जायका खराब कर दिया था। भाई चश्मा लगाओ ना, चश्मा। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान मुज़म्मिल सिराज खान और आप सबको खुश आमदीद है हमारे चैनल टेस्ट ऑफ स्ट्रीट में। तो अभी हम एपिसोड 2 में आ चुके हैं F10 मरकज़ में, इस्लामाबाद में। और यहाँ F10 मरकज़ में शायद ही कोई ऐसा खाना हो जो आपने खाना हो और वो यहाँ पे ना मिले, मतलब जो चीज़ आप जहन में लेके आए हैं या वैसे ही आप आ गए हैं या कुछ खाने, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटीज़ मिल जाएंगी, हर किस्म के खाने यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इन्हीं कुछ खानों की तलाश में हम लोग भी F10 मरकज़ आए हैं, देखते हैं। जिस तरह हमने F7 मरकज़ कवर किया तो उस तरह F10 मरकज़ अब कवर करेंगे हम और ट्राई करेंगे कि इनके टेस्ट कैसे हैं। F10 मरकज़ में हमने इतना कुछ खास खाया हुआ नहीं है, 2-3 वीडियोज़ ही कवर की हुई थी, तो आज दोबारा उन प्लेसेस को भी विज़िट करेंगे और न्यू प्लेसेस भी हम लोग डिस्कवर करेंगे। तो हम अपनी पहली लोकेशन में, आपको हमारे पीछे नज़र आ रहा होगा सीरियन शॉर्मा में, हम अपनी पहली लोकेशन पर पहुँच गए। इनका सीरियन शॉर्मा ट्राई करते हैं, हमने पहले भी एक बार किया हुआ था लेकिन दोबारा आज ट्राई करते हैं। इनका रेट तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, इनका 500 रुपये रेट है, लेकिन चेक करते हैं कि आप रेट में टेस्ट भी दे रहे हैं कि सिर्फ नाम ही है। चलो ट्राई करते हैं। करें यहाँ पे आपको सजी वगैरह मिल जाएगी, ठीक है यहाँ पे, और सीख कबाब वगैरह भी बड़े हुए हैं। हाय 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 हाय, ये चेक करें, बारबेक्यू के पड़े हुए हैं यहाँ। प्लेटर्स वगैरह में आपको मिलते हैं, मोस्टली इनके जो चलते हैं वो प्लेटर्स ही चलते हैं, इसके अलावा आपको मतलब के वैसे भी सेपरेट भी मिल जाते हैं। ये चिकन है इनका जो शॉर्मे में यूज़ होता है, और ये शॉर्मा बन रहा है अभी अंदर, इनसाइड अभी अलाउ नहीं था तो आउटसाइड से हम दिखा रहे हैं। ये इनकी एक रोटी टाइप होती है, इसी के ऊपर ये सॉसेज वगैरह लगा रहे हैं, सॉसेज आएंगी, फिर चिकन जो पड़ा हुआ है उनके पास उधर ही उन्होंने रखा हुआ है, और उसके अलावा पिकल वगैरह जो डालते हैं ये लोग। इनका चिकन लगा हुआ है और ये कोई 80 किलो चिकन है, जो यहाँ पे काम करते हैं उन्हीं ने हमें बताया कि 80 किलो चिकन ये लोग लगाते हैं। तो अभी काफ़ी इनके पास अंदर भी बड़ा है, जो ये बना रहे हैं ना शॉर्मा उसी पर वो लोग डाली जा रहे हैं अंदर से। अरे ये 80 किलो चिकन है, 80 किलो चिकन इनका बिकता है रोज़ का यार। ओए होए 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 होए, बड़ा VIP सीन है अभी। गोश्त देख के तो हम आदमखोर हो जाते हैं, गोश्त तो इनका अच्छा है। आप शॉर्मा चेक करेंगे, शॉर्मे में डालने के बाद सॉसेज वगैरह डालने के बाद कैसा जायका आता है इनका। ओए होए चेक करें आग, और नीचे से तेल फेंकते हैं तो आग काफ़ी तेज़ हो जाती है। गाइस आप लोग समझते हैं कि ये नहीं है लेकिन ये है, ये आजकल कैमरा मैन बन गया हमारा, तभी वीडियोस ख़राब आ रही हैं हमारी। तो हेलो गाइस, तो हमने ले लिया शॉर्मा, ठीक है, ये इनकी पैकेजिंग है। अभी तो बड़ा ही लग रहा है, अभी खोल के देखते हैं कि क्या सीन है। शॉर्मे का यार चाहिए है लेंथ, लेकिन अगर प्राइस देखो 500 में तो फिर तो थोड़ा बंदे को होता है धक धक होता है कि यार 500 में क्या मिल गया। आजकल आपने देखा होगा 750 में 17-19 इसका मिल रहा है, लेकिन अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो फिर तो सब कुछ वारा खा जाते हैं, वारा खाएगा फिर, अगर टेस्ट अच्छा हुआ है तो। चेक करें, इनकी अपनी कोई रोटी होती है उसमें ये सब कोई डाल के देते हैं, अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं हम। ये पिकल वगैरह डाले हुए हैं, गोश्त डाला हुआ है, और जो इसके मतलब सॉसेज वगैरह होते हैं ना वो सब इन्होंने बीच में रखे हुए हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो अभी मैंने बाइट ली है, मैं सिर्फ मायोनीज का टेस्ट आया है, उन्होंने मायो डाली है ना, उसके अलावा नहीं आया टेस्ट यार, सच्ची में पता नहीं क्या सीन है इनका। तो दोबारा ट्राई करते हैं, क्या पता पहली रोटी ना ही हो, चिकन ना आया हो, एक और ट्राई देते हैं। नहीं यार, 500 में नुकसान ही है आप लोगों को,
हमें तो मिल गए नुकसान। अरे मैं आपको बताऊँ ना, तो ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, मतलब कि शायद हो सकता है किसी को पसंद आ जाए, लेकिन मैंने पिछली बार भी ट्राई किया था ना, मुझे नहीं पसंद आया, तो इस बार भी हमने ट्राई किया है तो नहीं पसंद आया यार। इसमें सिर्फ आपको मेयोनीज़ का टेस्ट आता है ना, चिकन का आता है, हालांकि चिकन दिखने में इतने मज़े का लग रहा था, अगर ना चिकन का टेस्ट है, एक सादा रोटी में मेयोनीज़ का टेस्ट आता है, तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा। आप लोगों ने खाना है तो आ जाओ खा लो। बहुत ही प्यारे भरा वीर आए हुए हैं, इनको हमने ट्राई कराए हैं, हमने कहा कि आपको शायद मेरे पे ना यकीन हो, तो आप बताएं कैसा टेस्ट है। गाइस यकीन जाने दिल टूट गया है, 300 रुपये पेट्रोल लीटर है और हम F10 तक यहाँ पर आए हैं और खाया है, तो पता नहीं कोई अजीब सा सीन है, मुझे तो नहीं पता ये इतना चलता कैसे है। नहीं एक बाइट लेके दिखाओ ना इनको, फिर मानेंगे हम। टेस्ट क्या आ रहा है बताओ, क्या क्या फील आ रहा है? यकीन जानो ऐसा लग रहा है कि मैं मरीज़ हूँ और मुझे ऐसे खाने नहीं है, ऑपरेशन के बाद मिलते हैं, वो ऐसे ही बिल्कुल भी सीन नहीं है यार, यकीन जाने। तो अभी हम लोग अपनी दूसरी लोकेशन पे मौजूद हैं, यहाँ से थोड़ा सा आप चल के आएंगे ना पैदल, या गाड़ी है आपके पास, अमीर हैं तो गाड़ी पे आ जाएं, तो यहाँ पे आपको स्पॉट नज़र आएगा कोयटा T20 के नाम से, तो इसके नीचे इन्होंने एक सेपरेट छोटा सा स्टॉल लगाए हुए है उन्हीं का ही, तो यहाँ पे सुबह के टाइम आपको नाश्ते में हलवा पूरी मिल जाती है, सुबह 6 से 2 तक का टाइम है, और उसके बाद ये रिफ़्रेशमेंट सेंटर बन जाता है, बेसिकली रिफ़्रेशमेंट सेंटर तो नहीं कह सकते, समोसे यहाँ पे पड़े रहते हैं, क्योंकि समोसे सुनने में आया काफ़ी अच्छे, यहाँ पे समोसे मिलेंगे और समोसा चाट मिलेगी, अभी वो ट्राई करके आप लोगों को बताते हैं। तो ये वो स्टॉल बना हुआ है, ये समोसे पड़े हैं, बने हुए पड़े हैं, अभी ये तेल आ गया, ये भाई होते हैं हमारे यहाँ पे, और ये समोसे बने हुए पड़े हैं, अभी ये चने आ गए, ये मीठी चटनी है, और ये मीठी चटनी है, और ये सैलेड वगैरह पड़ा है, और ये ग्रीन चटनी है। चटनी वैसे तो हराम होती है, लेकिन समोसों के साथ, हाँ समोसों के साथ हलाल है, आप लोग खा पी सकते हैं। भाई एक लगाओ ना प्लेट समोसा चाट की VIP सी, और इस बंदे को आपने हायर कर लिया, ये जो खड़े पीछे ये आयर हो गया, ये यहाँ पे होते हैं कहाँ से करेंगे। तो एक समोसा आया सबसे पहले, चेक करें, दो समोसे आए बल्कि, चेक ये मोहब्बतें होती हैं, चेक कर रहे हैं आप लोग, और उसके बाद सैलेड डाल दिया, ये साल्ट बे की तरह सैलेड डाला, ये आ गए चने, चेक कर लें आप, और फिर मीठी चटनी ज़्यादा लाल नहीं है आपकी? नहीं मीठी चटनी ऐसी है। अच्छा मैं नया बनाऊँ फूड व्लॉगर। ये मसाला क्या बात है भाई, और ये चम्मच, आप हाथों के साथ खाना चाहें तो चम्मच ना लें। तो ये समोसा प्लेट हमने ले ली है, मेकिंग आप लोगों ने देखी होगी, दो समोसे आ गए, मीठी चटनी आ गई, ठीक है ग्रीन चटनी और चने वगैरह आ गए, टेस्ट ट्राई करते हैं आप, पहले मिक्स कर लें आप लोग। ओए होए होए होए, समोसा जो वो मैं शदाई हूँ भाई, बहुत फेवरेट हैं समोसे मेरे, तो ट्राई करते हैं अभी, वैसे मीठी चटनी का नहीं हूँ मैं इतना बड़ा फ़ैन। अब क्या सही है ना भाई, सीरियस और मैंने तो मुँह का जायका ख़राब कर दिया था, अब मसाले जाके लगते हैं ना भाई, पाकिस्तान और इंडिया में मेन चीज़ ही मसाले हैं, जब तक तो मसाले आपको हिट ना करें ना तो हमें नहीं मज़ा आता। तो इसमें बड़े मज़े के यार, बड़े मज़े के क्या, बहुत ज़्यादा मसाले हैं, तो ट्राई करें ये लाजमी, तो बड़े मज़े का एक फील ले रहे हैं, ठीक है बड़ा जाके हिट कर रहे हैं। एक और बड़ी सी बाइट लेते हैं, क्योंकि अगर मैंने कैमरा ऑफ कर दिया तो ये खा जाएगा दूसरा बंदा, तो इसीलिए आज मैं खाते खाते ही सारा रिव्यू रिकॉर्ड करता रहूँगा। ओह भाई बड़े मसाले हैं इसमें, ठीक है लाजमी स्पाइसी जो लवर हैं, बेसिकली जो स्पाइसी लवर हैं इस्लामाबाद में, और जो समोसा चाट के लवर हैं, वो एक बार लाजमी इसको ट्राई दें, इसमें जो स्पाइसेस हैं ना
वो लग रहे हैं, वो फिर आपके सेवन अप से भी नहीं जाने, इतने ज़ालिम स्पाइसेस लग रहे हैं। अभी प्रॉपर मैं ढूंढ रहा हूँ कि पानी मुझे मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रहा। अभी इनसे मंगवाया तो पैसों का होगा, पर हम गरीब हैं, हम नहीं मंगवाएंगे। तो भाई सीरियन शौरमा और समोसा चाट ट्राई करने के बाद हम लोग कुछ मीठा ट्राई करने आए हैं, ठीक है। तो आपको पता है पहली जगह तो मसाले नहीं थे, दूसरी जगह बहुत ज़्यादा मसाले थे। अभी ट्राई करने आए हैं मीठा हम स्वीट क्रीम पे। तो यहाँ पे मतलब आपको कम बजट में अच्छी से अच्छी आइसक्रीमें मिल जाती हैं, काफ़ी इनके पास वैरायटीज़ होती है। अभी हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी वैरायटी है जो हमारे तन बदन में जो आग लगी हुई है उसको बुझा दे। तो हम कोई अच्छी सी आइसक्रीम ढूंढते हैं भाई, उसको खाते हैं और आप लोगों को सिर्फ बताते हैं, खाएं आप लोग खुद आके यहाँ पे। तो भाई अमीरों और गरीबों चेक कर लो, मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ है ना कि मैं बोल के नहीं बता सकता आप लोगों को। ये चेक करें आप लोग, तो आप लोग अपनी रिकमेंडेशन मतलब जो आप लोगों ने खाने हैं हस्ब तौफीक देख के आप लोग वो खा सकते हो। ये कोने वगैरह भी पड़ी हुई हैं, ये चीज़ हमारे बजट में आती है तो, क्योंकि गरीब हैं हम लोग। भाई हम लोगों ने मंगवा लिया ये, थोड़े हम अमीर हो गए हैं अभी तो चेक कर सकते हैं। ये हम F10 के स्वीट क्रीम पे आए हुए हैं, ये इनका आउटलेट है। कह रहे हैं ये क्या चीज़ बना रहे हैं, ये चॉकलेट एक्सट्रीम है भाई, चेक कर सकते हैं। और ये इनकी निन्नी निन्नी सी वो पड़ी हैं पैकेजिंग जो ये कोन पे लगा के देते हैं। अरे भाई ने मास्क पहने हुए हैं, भाई चश्मा लगाओ ना, चश्मा। ब्राउनी को गर्म किया जाता है यहाँ पे, 30 सेकंड का टाइमर इन्होंने लिखा हुआ है ऊपर, कुकी और ब्राउनी 30 सेकंड, मोटर लावा 20 सेकंड। उसके बाद फिर साथ क्रीम डालते हैं, और क्रीम डालने के बाद जिसका ऑर्डर होता है उसे दे दी जाती है। ये ऊपर टॉपिंग वगैरह आ गई चॉकलेट की, ये चेक करें, ये आ गया हमारा ऑर्डर, ये ब्राउनी आ गई और साथ वनीला आइसक्रीम, ऊपर चॉकलेट की टॉपिंग। चल ले लिया ऑन है, तो हम लोगों ने ले लिया ये ब्राउनी विद वनीला, ठीक है। ये ब्राउनी अभी मैंने पकड़ी है तो नीचे से भी काफ़ी गर्म महसूस हो रही है, ये फुल ठंडी। तो मैंने यार सच्ची बताऊँ तो मैंने सॉफ्ट स्वेल की खाई हुई है ब्राउनी विद वनीला, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने स्वीट क्रीम की नहीं ट्राई की, ये आज पहली बार है। तो भाई बाइट लेते हैं, ये ब्राउनी आ गई और साथ वनीला, ये मिक्स करके अब बाइट लेंगे हम। जी तो बताएं सेम टेस्ट है, टेस्ट अच्छा है स्वीट क्रीम का, टेस्ट काफ़ी मज़े का है, लेकिन सॉफ्ट फिल को बीट नहीं करता, सॉफ्ट फिल का टेस्ट बहुत मज़े का है यार, लेकिन इनका भी अच्छा है, माड़ा नहीं है। अभी मैंने सीरियन शॉर्मा ट्राई किया है ना, तो मुझे उस हर चीज़ अच्छी लगेगी, इतना वो बुरा था ना, तो बाकी सब कुछ अच्छा ही लगेगा। तो टेस्ट इनका अच्छा है, लेकिन जो मतलब कि आप घूम फिर रहे हो ना, ये जो एंड पे एक चस देती है ना ठंडी चीज़, तो ये तो ठंडा और गर्म दोनों मिक्सचर है, तो बड़े मज़े का एक वैल्यू ऐड करती है ये। तो हम लोगों ने F10 मर्कज़ बहुत बड़ा है यार, तो हम लोगों ने तीन जगह विज़िट की हैं, और तीन जगह भी हमारी जितनी जेब में पैसे थे ना तो सारे लग गए हैं। तो हमारी ये वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे KFC के पूरे पूरे मेन्यू मंगवाएंगे, जब मोनेटाइजेशन होगी ना फिर आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा, अभी तो सिर्फ हम लोग ही मज़ा ले, मतलब आप लोग मज़ा ले रहे हो। तो अभी हम लोगों ने यार यही जगह ट्राई की है, काफ़ी मज़े की थी जगह, ठीक है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो सीरियन शॉर्मा का एक्सपीरियंस काफ़ी गंदा रहा, समोसे वाला अच्छा था, स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है, और मैं स्पाइसेस खाता हूँ तो मुझे अच्छा लगा था। और स्वीट क्रीम का तो आप लोगों को पता है कि अच्छी ही है स्वीट क्रीम, लेकिन इनकी जो ब्राउनी में वनीला मंगवाई थी ना वो सॉफ्ट स्वेल के मुकाबले में मुझे नहीं अच्छी लगी, क्योंकि मैं सॉफ्ट स्वेल से खाता रहता हूँ, वो इनका पहली दफ़े मैंने ट्राई किया, लेकिन वैसे ओवरऑल इनका टेस्ट अच्छा था।